रियासत तमिलनाडु में फौज का हेलीकॉप्टर तबाह, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ बिपिन रावत समेत 14 लोग थे सवार, 11 लाशें बरामद। रियासत तमिलनाडु में फौज का एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, इसमें कई सीनियर अफसरान मौजूद थे। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक कन्नूर के नीलगिरी के घने जंगली इलाके में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। 3 आला अफसरान समेत 14 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे। 3 शदीद तौर पर जख्मियों को हॉस्पिटल भेजा गया। इमरजेंसी टीम मौके पर है। रियासत तमिलनाडु के कोयम्बटूर और सोलूर के दरमियान हादसे का शिकार हुआ। MI सीरीज के हेलीकॉप्टर में चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ बिपिन रावत, इनके मुलाजमीन और अहले खाना के कुछ अफराद सवार थे। इतलात के मुताबिक 11 लाशों को बरामद किया गया है। हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, इनकी अहलिया दिफाई माउन, सिक्योरिटी कमांडर और फिजाइयों के पायलट समेत कुल 14 अफराद सवार थे। हिंदुस्तानी फिजाइया ने हादसे के फौरी बाद एक बयान में कहा कि CDS जनरल बिपिन रावत को ले जा रहा है एक AIAF MI-17V5 हेलीकॉप्टर। तमिलनाडु के कन्नूर के पास आज हादसे का शिकार हो गया। हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए जाँच के अहकाम दिए गए हैं। इस हादसे के बाद वजारत दफा में सीनियर अफसरान की मीटिंग चल रही है। अफसरान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सभी जानकारी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएन न्यूज। வந்திருக்கோம், காட்டுக்குள்ளே நடந்திருக்கு. நல்ல வேலையாக இது வந்து இன்னும் ஒரு 20 அடி மேலே போயிருந்தாலும் இங்க இருக்கிற நந்தப்பிச்சித்திரம் என்ற ஊரில் உள்ள பொதுமக்கள் மிகப்பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள். இப்பொழுது இந்த பாதிப்பில் வந்து அதனால் HN News को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे वक्त पर.